assisting him to cure is the particulars of most probable exciting cause for acute disease. Chronic disease के क्या खोज निकले का? Most significant. What do you mean by significant? Significant point that will decide or that can decide the identification of MASM or identification of chronic disease. इसको बहुत अच्छे से समझने वाली बात है. पहला पॉइंट क्या था? Probable exciting cause for identification of acute disease. दूसरा क्या कह रहा है? Significant point for development of chronic disease. अब अगर आप हनीमैन का क्रॉनिक डिजीज पढ़ के देखोगे तो क्रॉनिक डिजीज हनीमैन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का है, कितने वैरायटीज का है? तीन में. क्या क्या? सोरा तो गलती है. कितने टाइप का है सर जी? क्रॉनिक डिजीज. क्या इसमें हाफ अक्यूट और अक्यूट भी इंक्लूडेड होंगे? नहीं, वो तो अलग है. इसको समझने के लिए ना इस पॉइंट्स को कोरिलेट करना पड़ता है. जाने के लिए डायरेक्ट दो एफरिज्म में जाओ और वहाँ उसका जवाब दो. वन इज एफरिज्म नंबर 204 एंड अनदर इज एफरिज्म नंबर 206. क्रॉनिक डिजीज हनीमैन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है. नंबर वन स्यूडो क्रॉनिक डिजीज, आयट्रोजेनिक डिजीज और ट्रू क्रॉनिक डिजीज. सभी को बोला क्रॉनिक है. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस इज, अब यहां से कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट. आइडेंटिफाई करो इसका ओरिजिन कहाँ है. आइटोजेनेसिटी में है, लाइफ स्टाइल में है, नहीं है, थायमाइन में है. अब सेकेंड स्टेप यहाँ से आता है. आफ्टर दिस ये हो गया मैनेजमेंट मेडिसिन क्लिनिक का. ये है मेडिसिन, ये मतलब MASM. अब यहाँ पे कहता है कि अगेन गो फॉर द सिग्निफिकेंट पॉइंट में व्हाट, जो एफरिज्म नंबर 206 के डिस्कशन में हनीमैन कहता है कि फाइंड आउट हिस्ट्री में देखो क्या सिफिलिस का हिस्ट्री है, साइकोसिस का है. अगर है तो पहले इसी के अकॉर्डिंग खाली ट्रीटमेंट की. मतलब वन, अगर ये है तो आप आइडेंटिफाई कर लिया ना इसके अंदर कौन सा मैजमेटिक एक्सप्रेशन है, सिफिलिस है, सोरा है, साइकोसिस है या फिर. सिमल्टेनियसली यहाँ पे एक और पॉइंट है दैट इज डिस्कस्ड इन एफरिज्म नंबर 206 फुटनोट, जिसको कहते हैं ये तो सिग्निफिकेंट है. इनसिग्निफिकेंट क्या है? इनसिग्निफिकेंट पॉइंट वो है जिसको आप कंफ्यूज्ड होते हो, मिसलीड होते हो बाय द वर्ड्स ऑफ पेशेंट कि हमको ये दुख लग गया था इस वजह से कैंसर हो गया, हमने यहाँ पे ये ठंडा खा लिया था इस वजह से हमको इतने साल का रूमेटिज्म हो गया, हम तीन साल पहले बारिश में भीगे थे आज हमको रूमेटिक पेन हो गया. दीज ऑल आर इनसिग्निफिकेंट टू डेवलप क्रॉनिक डिजीज. एफरिज्म 5 कंप्लीट करता है. अब इन पॉइंट को लेके आप डिस्क्रिप्शन करते रहोगे तो सिग्निफिकेंट पॉइंट बोला खोज लिया, इनसिग्निफिकेंट पॉइंट को लेके आप सिग्निफिकेंट पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन कीजिएगा सब वैसे. सो ये पार्ट एफरिज्म 5 का तीन हिस्से में कवर होगा, 204, 206 एंड फुटनोट 206 टू अंडरस्टैंड दिस. अब आप बंद कर सकते.